उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आगरा की वरिष्ठ भाजपा नेत्री और समाज सेवी बबीता सिंह चौहान को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बनाकर आगरा वासियों को बड़ा तोहफा दे दिया है। अपना पदभार ग्रहण कर प्रथम बार आगरा आई बबीता सिंह चौहान और उनके पति लॉयंस इंटरनेशनल के डायरेक्टर जितेंद्र चौहान के स्वागत में शहर उमड़ पड़ा। होटल रमाडा से शुरू हुए स्वागत सम्मान के सिलसिले में होटल करण विलास पर लॉयंस क्लब इंटरनेशनल ने भव्य स्वागत किया। सैकड़ों गाड़ियों के साथ ओपन कार में निकले काफिले में आयोग अध्यक्षा के स्वागत को बरसात भी न रोक सकी। फूल मालाओं से स्वागत करते हुए आगरा वासियों ने अपनी नेता पर जमकर प्यार लुटाया और ऐसा हो भी तो क्यों न, उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा को इतनी बड़ी सौगात जो दी है। स्वागत करने वालों में लायंस क्लब इंटरनेशनल के साथ अखिल मोहन मित्तल, अशोक गोयल के अलावा सैकड़ों लोगों ने हृदय से स्वागत कर अपनी नेता को पलकों पर बिठाया। आपको बता दें, बबीता सिंह चौहान बड़ी जुझारू और जन सरोकार की भावनाओं के प्रति समर्पित भाजपा नेत्री हैं। महिलाओं के अधिकारों के प्रति उनकी सोच का ही प्रतिफल है जो उन्हें महिला आयोग की अध्यक्ष बनाया गया है। उनकी कर्तव्य निष्ठा, महिला संरक्षण और सुरक्षा की भावना निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की महिलाओं को शोषण और अत्याचार से मुक्ति दिलाने का कार्य करेगी। Yeah.